हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है फ्रैंकलिन। आप देख रहे हो फ्रैंकलिन के व्लॉग्स। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि हमने अपने सीजे भाई को सिलेंड्रियाज में जो थे उनको जेल से छुड़वा लिया था। ये रहे अपने सीजे भाई, तो इनको जेल से छुड़वा लिया था। इनके जो दोस्त थे राइडर और स्वीट, वो देखो आगे खड़े हुए दोनों, तो इनको हमने बैलास गैंग के चंगुल से बचा लिया था। अब आपको पता ही होगा पिछले 10 सालों से जो इनकी स्ट्रीट थी ना, जिसको कहते थे ग्रूव स्ट्रीट, वो पूरी बैलास गैंग ने अपने कब्जे में ले रखी है। तो अब सीजे भाई कह रहे हैं भाई हमें किसी भी तरह से वो स्ट्रीट वापस चाहिए। और आपको पता ही होगा फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर की जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है उससे बहुत तगड़ी वाली लड़ाई चल रही है, और उसने जो है टॉमी भाई को भी किडनैप करके रखा हुआ है। और भाई हमें टॉमी भाई को ही बचा के लाना है, जिसमें हमें सीजे भाई की मदद की जरूरत पड़ेगी और बेसिकली इनकी पूरी गैंग की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो जो इनकी गैंग थी, फैमिलीज कहते थे हम जिन्हें, तो भाई इनकी मदद लेने के लिए हमें सीजे भाई की बात माननी पड़ेगी और बैलास गैंग से जो ग्रूव स्ट्रीट का एरिया वो पूरा खाली करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में बैलास गैंग की एक ड्रग डील चल रही थी वो भी रुकवा दी थी काफ़ी हद तक, और वो हमारी मदद करी थी गब्बर सिंह ने। तो वो जो ड्रग डील थी वो माफिया के साथ थी बैलास गैंग की, अब वो कैंसिल हो गई। तो भाई माफिया जो है बैलास गैंग के खिलाफ लड़ने के लिए आ गए, और साथ ही साथ 6 फरारी हमने उनकी डिस्ट्रॉय कर दी थी बैलास गैंग की, जो उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन को डिलीवरी करनी थी। तो उसकी वजह से उनकी अंडरवर्ल्ड डॉन से भी लड़ाई हो चुकी है। तो आधी तो बैलास गैंग भाई ये माफिया और अंडरवर्ल्ड मिलकर ही खत्म कर देंगे, और बाकी की जो बैलास गैंग है उसे हमें खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले गाँव जाना है भाई, क्योंकि इस वाले एरिया में जो है हमारी पूरी सीजे भाई की गैंग रहती है। पहले तो वो सारे ग्रूव स्ट्रीट में रहते थे, आपको पता ही होगा इस एरिया में यहाँ पर कहीं पर, बट बैलास गैंग ने जब से यहाँ पर कब्जा कर लिया तो वो सारे शिफ्ट होके गांव चले गए थे। तो हमें उनको वापस लेकर आना है गांव से, तो इसलिए आज हम पूरे रेडी खड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ट्रेवर खड़ा हुआ है अपने सीजे भाई, राइडर, स्वीट, ये ट्रेवर की जो है अपनी फोर्ड एंडेवर है, पीछे बुगाटी चेरोन है माइकल की। तो सबसे पहले भाई मेरा जो केस था ना, मतलब फ्रैंकलिन का जो केस था, वो बहुत दिन हो चुके हैं तो पुलिस को शक भी नहीं होगा हम पे। तो इसलिए हम अपनी नई लैम्बोर्गिनी में बाल कटवाने जा रहे हैं भाई, क्योंकि पहले वाला हेयर कट ज़्यादा बढ़िया था, मुझे ये वाला हेयर कट इतना पसंद नहीं आ रहा, एक तो इतने बड़े बड़े बाल है। तो इसलिए मैं पहले माइकल के साथ जाके अपना हेयर कट करवा रहा हूँ, दाढ़ी वाड़ी सब हटवा लेंगे ताकि मस्त हम पहले जैसे लगने लग जाए। और ये लैम्बोर्गिनी देखो भाई क्या साउंड है इसकी, ओए होए होए, आपको भी बहुत पसंद है लैम्बोर्गिनी मुझे पता है। और काफ़ी लोग कह रहे थे फ्रैंकलिन का पुराना वाला लुक ही हमें पसंद आता है तो वही करवा लो, तो मैंने कहा ठीक है भाई अब तो करवा ही लेता हूँ, क्या करना है वैसे भी। तो यहाँ पे है अपना बार्बर स्टोर, फटाफट से मैं जाके करवाया तो माइकल इतने वेट कर लेगा बाहर। चलो भैया जल्दी से, तो बाल तो मुझे नॉर्मल करवा लेने और दाढ़ी भी बिल्कुल क्लीन शेव ही करवा लूँगा, गंजा तो नहीं होना भाई, नॉर्मल कोई देखते अच्छा सा कट। हाँ ये सही लग रहा है ना, तो ये डन करवा लेते हैं। चलो ये अच्छा लग रहा है मुझे, लो भाई हेयर कट तो कर दिया। अब मुझे बियर्ड भी जो है ना वो हल्की करवानी है या फिर तो पूरी हटवा लेनी है, तो हाँ ये अच्छी लग रही है हल्की हल्की, क्लीन शेव तो इतना खास नहीं लग रहा, ये नॉर्मल ठीक है ऐसे। तो चलो भैया बियर्ड भी करवा ली, हेयर स्टाइल भी करवा लिया, अब हम पुराने वाले फ्रैंकलिन बन चुके हैं। और केस वेस तो बहुत टाइम हो गया भाई, पुलिस अब क्या ही पीछे पड़ेगी, जिनको नहीं पता किस केस की बात कर रहा हूँ तो भाई वो पुरानी स्टोरीज देख लो, पुराने व्लॉग चेक कर लो मेरे, जब भी आपको समझ आ जाएगा। तो चल भैया माइकल फटाफट से, माइकल की भी दाढ़ी उगी पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, तो चलो भैया निकलते हैं और उन सबको लेकर चलते हैं गांव में, ताकि हम सीजे भाई की गैंग को वापस ला सके। और यहां पर लाके भाई हम तगड़ी गैंग वॉर करने वाले हैं बैलास गैंग के साथ में, और उनको पूरा जड़ से उखाड़ मारेंगे भाई लॉस सैंटोस से, क्योंकि उनकी बहुत दादागिरी हो गई, उन्होंने बहुत मेरे को भी बहुत बार परेशान किया, हमारे बिजनेसेस में भी बीच में पड़ने की कोशिश करी है। तो अब भैया उनको बस डिसाइड कर ही लिया कि यहां से निकाल लेंगे और फिर उस अंडरवर्ल्ड डॉन से पंगा लेंगे भाई, क्योंकि उसने टॉमी भाई को किडनैप कर रखा है और हमें भी किडनैप कर लिया था, हम तो बच बचा के आ गए थे सारे लोग, बट भाई उससे बदला लेना तो बनता ही है। और माइकल के घर में हमने प्रॉपर सिक्योरिटी लगा रखी है, आपने देखा ही होगा पुराने वाले व्लॉग्स में। तो चलो भैया फटाफट से निकलो यहाँ से, मतलब निकलो यहाँ से कह रहा हूँ, हमारे पीछे पीछे आओ। तो हमें जाना है भाई इस वाले एरिया में जहाँ पे ट्रेवर का घर है पीछे की साइड में, तो इस वाले एरिया में जो पूरा ग्रूव स्ट्रीट हम मतलब अपनी जो गैंग है ना सीजे भाई की, वो सारे यहीं पे रुके हुए हैं। तो माइकल तो अपनी बुगाटी शेरोन चलाएगा, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा, और ट्रेवर, सीजे भाई और ये दोनों राइडर और स्वीट जाएंगे इनकी एंडेवर में, क्योंकि वो 4 सीटर है। तो लो भैया वो दोनों तो जा रहे हैं, अभी जो है माइकल कह रहा है मैं अपनी बुगाटी शेरोन नहीं ले जाऊंगा, माइकल और फ्रैंकलिन उसकी लैम्बोर्गिनी में जा रहे हैं, वो देखो। तो माइकल बैठ चुका है और हम चारों इस वाली में जा रहे हैं एंडेवर में, तो भाई वो तो निकल गया फाइनली, हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे फटाफट। खैर फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी तो बहुत तेज़ है, हम तो खैर उसका कहाँ ही मुकाबला कर पाएंगे, बट भाई एंडेवर भी मैं काफ़ी सही संभाल लेता हूँ, 100 150 200 की स्पीड में तो भगा ही लूँगा, वो देखो। तो ये जा रहे हैं यार, सही लग रही है फ्रैंकलिन की लैम्बोर्गिनी, मैं भी सोच रहा हूँ एक लैम्बोर्गिनी मतलब खरीद ही लूँ भाई, एक बार टॉमी भाई वापस आ जाए उसके बाद, तो देखते हैं कोई अच्छी सी, आप सजेस्ट करना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई लाइक एम आजकल पूरा नहीं कर रहे हो, क्या बात है लॉन्डो, वही 25-30 हज़ार रखते हैं आप, 20 हज़ार ही पहुँचाते हो। तो थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो रहा है क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट कर दिया इंडियन बैकपैकर चैनल पे, मैं अपना एक गेमिंग का स्टोर खोल रहा हूँ, तो उसी पे काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाती है वीडियोस, बट कोई नहीं भाई अगले महीने से रेगुलर डाला करूँगा पक्का। चल चल चल, हटो हटो,
फटाफट से जाते हैं भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ आज मैं, क्योंकि भाई सीजे भाई की फाइनली गैंग जो है फैमिलीज वो वापस आ रही है, और ग्रूव स्ट्रीट जो वाला जो एरिया वो भी अपना वापस से हो जाएगा, तो लॉस सैंटोस में भाई अपना ही राज चला करेगा। जो अंडरवर्ल्ड डॉन है भाई उसको भी अच्छे से सबक सिखा दूंगा मैं, देखना मतलब कि ज़्यादा उड़ रहा है ना वो इतने। अबे मैंने रॉन्ग साइड ले लिया, शिट यार मैंने रॉन्ग साइड क्यों ले लिया, चलो 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 आराम से आराम से। और फ्रैंकलिन और वो सब आ ही रहे होंगे पीछे, मुझे तो लग रहा है मैं उनसे आगे निकल गया हूँ, फ्रैंकलिन पीछे छूट गया बताओ, जबकि लैम्बोर्गिनी में था वो। तो लो भैया फाइनली पहुँच गए हम उस वाले एरिया में, यहीं पर हमें बाकी के गैंग मेंबर्स मिलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ एक बस अरेंज करवा लूँ अपने लेस्टर से फ़ोन करके, वो ऐसी बस भेज देगा एक, तो उसी में हम बाकी के गैंग मेंबर्स को ले जाएंगे, क्योंकि भाई हमारी गाड़ियों में तो जगह है ही नहीं। तो ये पूरा फार्म हाउस है, फार्म हाउस में ही हमने बुला लिया उन सबको ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो गाड़ी को अंदर लगा देते हैं फटाफट से। और भाई यहाँ पे देखो फ्रैंकलिन भी पहुँच चुका है, माइकल गाड़ी के अंदर बैठा है, तो बस हम फटाफट से लेस्टर को फ़ोन लगवा देते हैं और उन सबको यहीं पे बुला लेते हैं, और बस भी किसी वक्त आती होगी यहाँ पे। तो भाई फाइनली ये जो सारे गैंग मेंबर्स है ये आ गए हैं। एक्चुअल में ये सारे ना अलग अलग गैंग के लीडर है, मतलब है ये फैमिलीज गैंग के ही, बट इनके ना सबके एक सब ग्रुप बने हुए, मतलब इस बंदे के अंदर कम से कम 100-150 अपने गैंग मेंबर्स है, इस बंदे के अंदर 50-60 है, इसके नीचे 60-70 काम करते हैं, तो इसी तरह से ये 9-10 गैंग मेंबर्स है पूरे गैंग के लीडर्स सकते हो आप। तो सीजे तो भाई इन सबका लीडर है, और इनके भी अंदर थोड़े बहुत और लोग काम करते हैं, तो इन सबको ले जाने के लिए हमने भाई उस बस का इंतजाम कर लिया, और इन सब ने अपने अपने गैंग मेंबर्स को भी फोन कर दिया कि भाई सीधा पहुंचो बैलास गैंग के एरिया में या फिर ग्रूव स्ट्रीट पर, और जड़ से उखाड़ मारेंगे। और पुलिस भी आज कुछ नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि इतनी ज्यादा गैंग जब वो देखेगी ना भिड़ गई है, तो वो कहेगी भैया साइड ही हट लो, एक ना एक गैंग को मरने दो। तो ये सब जा रहे हैं उस बस के अंदर, ये व्हाइट वाला बंदा ड्राइवर है, और ये सारे उसमें साथ जाएंगे, और हम जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे ही चले जाएंगे वापस। तो चलो ये धीरे धीरे इतने अपना काम करवाते हैं, लेस्टर ट्रेवर तो यहीं पर ही है, ये सबको चढ़वा देगा बस में, और वो ड्राइवर वो रहा तो वो भी पेट्रोल भरवाने जा रहा है बस में, आधे लोग चढ़ चुके आधे नहीं चढ़े हैं। तो चल भाई सीजे भाई, इतने सीजे भाई और मैं जाकर जो है लेस्टर से मीटिंग करते हैं और पूरा फाइनल करते हैं क्या सीन है। ओके तो माइकल ने अभी मना कर दिया बाहर निकलने से, वो कह रहा है सीजे भाई नहीं मैं जाऊँगा साथ में, मैंने कहा चलो तुम ही चल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फटाफट से जा रहे हैं लेस्टर से मीटिंग करने, और फिर ये सारे मिलकर जो है बैलास गैंग के एरिया में यानी ग्रूव स्ट्रीट एरिया में पेल देंगे उनको, तबाह कर देंगे लगभग सबको ही। तो हमें जाना है भाई, मैं अभी कहाँ जा रहा था, अभी ये वाले एरिया में जाना है, यहीं से हम लेस्टर से बात कर लेंगे हाथों हाथ, क्योंकि मेरा गैराज भी है यहाँ पर, आपने देखा ही होगा शायद से। ए आराम से आराम से आराम से, रे बाबा रिक्स लेने का ही रही मेरे को। चल 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 चल। और यार सच्ची बताऊँ, ये फैसला तो भाई बैलास गैंग को ख़त्म करने का भले ही सीजे भाई कहो, बट हम सब चाहते थे कि बैलास गैंग लॉस सैंटोस से बिल्कुल नामो निशान हट जाए उनका, क्योंकि भाई नाक में दम कर रखा था उन्होंने सही में। कभी कहीं पे हमला कर देते थे, कभी कहीं पे कोई बिजनेस नया शुरू कर लो वहाँ पर टांग अड़ाने आ जाते थे अपनी। तो अच्छी बात है भाई, इनका एक बार में काम तमाम होगा और पूरा लॉस सैंटोस जो है वो हमारे अंडर काम करा करेगा। अब उसके बाद अपने माफिया के जो लीडर थे उसको तो मैंने पेल दिया था, जब भी उसका अंडरवर्ल्ड डॉन जो बड़ा भाई था वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो एक बार हम अंडरवर्ल्ड डॉन को भी मार देंगे ना भाई, फिर उसके बाद टेंशन ही नहीं रहेगी, मस्त अपने बिजनेस चलाएंगे, नई नई गाड़ियाँ खरीदेंगे, शोरूम खोलने का सोच रहा हूँ मैं तो गाड़ियों का, बाकी देखते हैं भाई आगे क्या होता है क्या नहीं। एक बार बस ये सारा काम निपट जाए आज के एपिसोड में, हम मार ही देंगे भाई बैलास गैंग को किसी भी हालत में, और ग्रूव स्ट्रीट फिर तो अपनी भाई, वहाँ पर सारे अपनी फैमिली के बंदे घुमा करेंगे। ओए होए होए क्या मज़ा आ जाएगा भाई साहब। भाई फ्रैंकलिन तो वहाँ से हमारे काफ़ी हद तक साथी ले आए, अबे अबे बैलास गैंग यहाँ भी आ गई। तो यहाँ पर जो है अपने 3-4 फैमिली के बंदे यहाँ पर भी रहते थे रेंट पर, तो इनको भी मैंने अपने साथ में ले लिया। चलो चलो भाई मर गए वो, तो ये अपनी गाड़ियाँ देख रहे हो क्या क्लासी है। तो फ्रैंकलिन ने वहाँ का एरिया संभाल लिया, वो सारी गैंग को अपनी इकट्ठी कर रहा है जो पुराने मेंबर्स थे, और मैं भी धीरे धीरे अपने सारे गैंग मेंबर्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बार में बैलास गैंग का पूरा सफाया कर सके। ओ शिट यहाँ पे भी अटैक हो गया वापस से बैलास गैंग का। अबे यार ये बैलास गैंग वाले चैन से जीने नहीं देते, ये देखना भाई साहब अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं। अबे हट जा यहाँ से, चल निकल, आया बड़ा और कहाँ है, ये रे आओ बेटा बच के कहाँ जाओगे। अबे भाई यहाँ तगड़ा गैंग वॉर हो गया, मारो मारो बे मारो, पिस्टल से लड़ रहे हैं बताओ मेरे साथी भी। और ये हमारे बंदा तो नहीं था क्या, हमने पेल दिया कहीं अपने। अबे शिट शिट, ओ भाई बच गया, ओ तेरी बोरे बोरे, निकल बेटा बाहर निकल। हाँ ये बात, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है ये बैलास गैंग के बंदों ने ना सही में नाक में दम कर रखा है भाई। ये देखना कितने सारे है भाई साहब, ओ तेरी। चलो यहाँ से तो ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर इसी एरिया में अपने दो बंदे और रहते हैं भाई, उनको भी किसी तरह से लेकर जाना है हमें। ये आ गया गाड़ी में, आ जा तू भी आ जा, फिनिश यहाँ पर। ओ एक और दिखा रहा है यहीं कहीं, अबे चल हट, आ जा आ। यही है क्या अपना,
हाँ भाई आजा, तू भी आजा साथ में, आजा फटाफट आजा भाई साहब। इनको पेल देना, अपने दो साथी यहाँ पे मर चुके हैं पूरी गैंग वॉर के चक्कर में। चलो भाई निकलना चाहिए हमें यहाँ से। ओ भाई साहब ये क्या लटकी हुई है औरत है। अबे शिट ये रहा एक और भाई, कितने बैलास मंगे हैं। यो कैन यू डिस्ट्रॉय व्हीकल फॉर मी। ओ भाई हमें एक और मिशन मिला यहाँ पर, यहाँ पर एक ओ तेरी ये आ रहा है, इसको पेलना है। लो भाई ये तो गया, बचाया गया। हाँ 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 चलो 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 चल भाई। तो भाई हमने यहाँ से चार बंदे अपने रिक्यूट करे थे और उसमें से दो बचे या दो को बैलास गैंग ने मार दिया है। तो ये वाली गाड़ी चोरी करके ले जा रहा हूँ मैं। आजा बैठो भाई बैठो, फटाफट से हमें जाना है बैलास गैंग के एरिया में और वहाँ पर पूरी बैलास गैंग से जो है बदला लेना है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट हो जा। अबे ये किसे मार रहे हैं। चल 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 कोई नहीं यहाँ नहीं जाना हमें अभी। फटाफट से हम माइकल के घर पे जा रहे हैं क्योंकि पूरी टीम की मीटिंग वहीं पे होनी है और हमारे पीछे बैलास गैंग की पड़ी थी लेकिन हमारे बंदों ने पेल दिया उनको। तो एक बार माइकल के घर से सारे बंदे इकट्ठे होके फिर भाई ग्रूव स्ट्रीट जाएंगे और पूरी बैलास गैंग को जड़ से ख़त्म कर देना आज। देखना भाई साहब क्या तगड़े वाला मजा आएगा, देखना तबाही होगी तबाही भाई साहब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, माइकल के घर के बाहर भी बैलास गैंग ने पूरा अटैक कर दिया। लग रहा है ये बस के पीछे पीछे आगे होंगे और इसलिए अटैक कर दिया। ओ तेरी ये बस देखो पूरी दीवार में ठोक दिया इन्होंने। अबे तू बचेगा, अभी भी नहीं बचा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अबे भाई साहब चल 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 अंदर चलना पड़ेगा, जल्दी 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 खोलो। ओ भाई बहुत गंदे वाला सीन हो गया ये, देखो सारे के सारे इन पे अटैक हुआ है, मतलब पक्की बात है। ये देखो सबकी हालत क्या बुरी हो गई है। ओ भाई साहब और मेरे भी गाड़ी वाले दोनों बंदे उसने मार दिया है। ओ बे यार हमारी तो टीम की कमी हो गई है, बाहर बस में इतने लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। तो अभी हम बस ये कुछ लोग ही बचे हुए हैं और अब क्या करेंगे हम, मैं राइडर स्वीट और फ्रैंकलिन अलग जाएंगे अलग गैंग को मारने के लिए और ये माइकल फ्रैंकलिन माइकल ट्रेवर और ये वाला बंदा अलग जाएंगे। चलो भैया फटाफट आ जाओ, हमें इतने इनको पेल के आते हैं ये इतने यहाँ पर थोड़ा सा वो करके अपना पूरा प्रिपेयर करके बाहर आ जाएंगे। जल्दी 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 हाँ हाँ निकाल निकाल, इसको मर ही गया है तो। ओहो हो तो अभी हमारा ये दूसरा साथी आ गया, इसने कहा है कि हमें एक गैंग को तबाह करना है, फटाफट से बैठो। तो मैं इसके साथ निकल रहा हूँ और फ्रैंकलिन और ये अबे 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 लड़ो मत भाई, एक बंदा बैठ जाओ कोई फटाफट से। चलो 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 फ्रैंकलिन बैठ जाएगा। अबे भाई लड़ रहे हैं बुरी तरह से। हाँ फ्रैंकलिन बैठ गया, अब हम निकलते हैं यहाँ से और ये उनके साथ आ जाएगा। तो भाई ये गाड़ी चला रहा है और हमें जो है वहाँ पर रस्तों में बंदों को पेलना है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था ना कि हम सिर्फ वहाँ पर नहीं एरिया ही नहीं खत्म करवाना चाहते, हम बैलेंस गैंग को पूरा जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से हम शहर में भी बैलेंस गैंग को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे भाई। जितने मर्जी बंदे हो आज सारी बैलेंस गैंग खत्म हो जाएगी और जितने लोग बच भी जाएंगे ना वो डर के मारे भाग जाएंगे, उन्हें जब दिखेगा उनकी पूरी गैंग को तबाह कर दिया हमने। तो अभी मैं गाड़ी मैं नहीं चला रहा, ये बंदा चला रहा है, हमें ड्राइव थ्रू करते करते मार देना सब लोगों को, इसलिए ये बंदा खुद चला रहा है गाड़ी ताकि हमें दिक्कत ना हो। ओ ओके तो ये भाई उसी ग्रूव स्ट्रीट के एरिया के आसपास ही बैलास गैंग के बंदे दिखाई दिए इस एरिया में, ये देखो। तो यहीं पर ही हम उसे पेलने जा रहे हैं, अच्छी बात है। माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर जो है वो मेरे को सीधा फिर वहीं पर मिल जाएंगे, मतलब माइकल तो सॉरी फ्रैंकलिन तो मेरे साथ ही है भाई, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ चीज़ें। तो अच्छी बात है भाई, इनको पेल देंगे और फिर हम वहाँ पर जाके ग्रूव स्ट्रीट पे भी पूरा कब्जा ले लेंगे अपना। तो भाई अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, माइकल और ट्रेवर जो है वो सीधा एरिया में घुस गए थे उनके और उनको काफ़ी सारी गोलियाँ भी लग चुकी है। तो हमें वो गाड़ी वाला मिशन जो है अबॉर्ट करके यहाँ पर आना पड़ा ग्रूव स्ट्रीट पर और ये सामने देख सकते हो अब बैलास गैंग पूरी है। तो अभी हम छुप छुप के आए हैं, तो बस वालों में से हमने यहाँ पर 6-7 बंदे अपने साथ ले लिए। तो अभी हम जाके इन पे अटैक करने वाले हैं सीधा भाई। अटैक करो 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 करो, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो अब कहाँ भाग रहे हो। रुको 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 बेटा, बैलास गैंग आज इनका मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। शिट 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 यहाँ पे भी है बंदे ये रे, निकलो बाहर निकलो, आओ आओ आओ। अभी मैंने गन ये वाली निकाल ली, अब देखना क्या पेलूंगा मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा सब आ जाओ, पेलेंगे इनको एक एक करके। तो भाई अभी अभी मुझे टोमी भाई का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि बैलास गैंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एरिया में। तो मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर से FIB की एक गाड़ी चुरानी पड़ी, ये प्योरली जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसको भाई एक खरोच भी नहीं आ सकती, मतलब बुलेट हमें अंदर छू के नहीं निकलेगी। और बाकी अपने सारे पंटर है साथ में, तो हम फटाफट से जा रहे हैं वहाँ पर अपने CJ भाई की मदद करने के लिए। सॉरी तो भाई आज तो एंड करके रहेंगे बैलास का सीन, और एक बंदे की कमी है तो ये लटक जाएगा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अटैक कर दिया था आपने देखा होगा, बट भाई आज इनको छोड़ना नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ मेरे को बहुत खुंदक चढ़ रही है इन पे। वहाँ पर जो अपने CJ भाई के साथ गैंग थी ना वो थोड़ी कम पड़ रही है इनके लिए, इस जगह पे है बैलास गैंग वाले। तो हम जो है पांचों जाकर पेल देंगे और इस गाड़ी में अंदर से हम फायरिंग करेंगे, तो एक डर ये नहीं रहेगा ना कि कम से कम गोली हमें लग रही है, क्योंकि भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी है FIB वालों की है वो भी, तो इसके अंदर तो बुलेट हमें छू भी नहीं सकती है।
तो इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुझे सीजे भाई ने बताया भाई कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा बहलास गैंग के मेंबर हैं। तो भाई हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, हमारा कोई भी बंदा मरना नहीं चाहिए, भले ही वो टीम मेंबर से मर जाए, बट ये जो हम मेन मेन बंदे हैं ना, हम में से कोई नहीं मरना चाहिए। इसलिए हमने प्रॉपर प्रॉपर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन लिया। और यहाँ पर अबे 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 गिर गया भाई, आ जा आ जा आ जा, बैठ जा बैठ जा, खून निकल गया इसके, वो तेरी। कोई नहीं भाई, बैठ जा जल्दी, आ जा फटाफट से। हाँ तो मैं कह रहा था हमने प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह ना पहन लिया ताकि दिक्कत ना हो वहाँ पर भाई, क्योंकि इतने बंदे हैं तो कैसे ही मार पाएंगे। सीजे भाई के पास साथ में कोई होंगे, हम 10-12 लोग और यहाँ पर हम हैं 5 लोग, तो 20 लोग मिलकर, लगभग 18 या 20 लोग मिलकर 100 से ज़्यादा बैलेंस गैंग को तबाह कर देंगे। शहर में से तो हमने उनका लगभग नामो निशान मिटा दिया, बस अब उनका ग्रूव स्ट्रीट से नामो निशान हटा के अपनी गैंग मेंबर्स को वहाँ पर बुला लेना, ताकि लॉस सेंटोस में अपना झंडा फैलाया जाए। तो भाई ये बस बैलेंस गैंग का एरिया शुरू हो गया। ये देखो इतने सारे बैलेंस गैंग के मेंबर नहीं है, ये हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो इनमें से भी हम कुछ लोगों को ले जा सकते हैं। जैसे ही अटैक होगा तो सीजे भाई उनको फ़ोन कर देंगे, अबे 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 आराम से लो भैया यहाँ। अबे यार गाड़ी वाले भी बड़े पागल हैं। तो फ्रैंकलिन का गैराज है ना, वहाँ पर हम इस गाड़ी को लगा देंगे। ओ भाई साहब सामने देख रहे हो कितने बैलास गैंग वाले हैं, ओ तेरी। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, इस गाड़ी का हम कवर ले लेंगे और अचानक से इन पर अटैक कर देंगे ताकि इन्हें पता ना चले। ए यहाँ पर गाड़ी को लगा दूंगा मैं, या थोड़ा और दूर, क्योंकि तो भाई पंगा हो सकता है अचानक से इन्हें जैसे ही पता चलेगा हम अटैक करने आए हैं। एक्चुअल में ना ये पूरे बैलास गैंग वाले एक साथ इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर, ताकि इन पे अटैक ना किया जाए। इनको पता चल गया होगा क्योंकि फैमिलीज़ वाले वापस आ गए और पूरे लॉस सेंटोस में तबाही मचा रहे हैं। चल 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 चल, निकल निकल निकल, तू निकल जा भाई, तू मत लड़ने लग जाइयो, निकल निकल। चलो भाई यहाँ पे गाड़ी को रुका देते हैं और रास्ता पूरा ब्लॉक कर देंगे ताकि कोई आना जा सके। लो भैया यहाँ उतर जाओ, फटाफट उतरो और अपनी अपनी गन्स निकाल लो। चल चल चल, शुरू हो जा भाई। लो भाई सब रेडी हो गए और वो रही पूरी सामने बैलास गैंग। तो मैं पहले रॉकेट लॉन्चर से थोड़े बहुत बैलास गैंग के बंदों को तबाह करता हूँ भाई, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। चल हट हट बे। ओ भाई साहब पेलो पेलो पेलो, एक एक करके पेलो भाई, बहुत बैलास गैंग के मेंबर है ये देखो। ओ तेरी, शेट शेट शेट, कर 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 कर। ओ भाई साहब खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, मरना नहीं है मरना नहीं है भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई लोग यहाँ पर तगड़े वाला ही सीन हो गया। देख रहे हो कितनी सारी बंदूक मैंने, वो गोलियाँ चला दी है इन पे। और अच्छा हुआ मैंने आर्मर जो है वो फुल लेवल वाला ले लिया था भाई, वरना अभी तक तो मैं टपक लेता। और बाकी के साथी भी मेरे इन पे अटैक कर रहे हैं, बट यहाँ पर बैलास गैंग आती जा रही है भाई, आती जा रही है। ओ तेरी, ये गाड़ी भी फोड़ दो फोड़ दो। और ये वाली गन से भाई सच में बहुत मदद मिल रही है, देख सकते हो आप कितने लोगों को मैंने पेल दिया ऑलरेडी। ओ तेरी भाई, आज लॉस सेंटोस से बैलास गैंग का नाम व निशान मिट जाएगा। और मेरे पे ये इतनी गोलियां मार रहे हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। और फ्रैंकलिन वगैरह सब दूसरी तरफ से जाके पेल रहे हैं, और मैं भाई साहब अकेला ये वाली मिनी गन लेकर खड़ा हो गया हूँ भाई। ओ तेरी, ये भी सोच रहे होंगे भाई कौन आ गया ये इतना तगड़ा, ये देखना धड़ 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 पूरी गोलियाँ इनके अंदर से आर पार हो रही है। हाँ तू कहाँ छुप रहा है भाई, आ जा बाहर आ जा। ओ भाई साहब आओ 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 आ जाओ। ओ भाई यहाँ पर तो लगभग सारों को पेल दिया, कोने पे और पीछे और आ गए, आए जा रहे भाई बैलेंस गैंग, तुम क्या जा रहे हो बेटा, बाहर निकलो यहाँ से। चल 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 चल, निकलो 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 निकलो। ये रहे इसके अंदर बैलेंस गैंग और भी है भाई साहब, पूरी ग्रूव स्ट्रीट तहस महस कर दिया है। पर घरों को कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि हमारी बैलेंस गैंग को मारने के बाद हमारी गैंग आ जाएगी यहाँ पर। चल 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 निकलो, नॉर्मल लोगों को नहीं मारना हमने कोशिश करनी है, जितने बैलास गैंग के मेंबर है सिर्फ उन्हीं को पेलना है। ओ भाई साहब ख़त्म हो गई क्या बैलास गैंग पूरी? ओ ये रे चल 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 निकल, अब इनकी गाड़ियों को भी फोड़ दिया जाए, है ना। ये लो चक जी, यहाँ भी है ये रही चक, ये रही चक। चलो भाई यहाँ सारी गाड़ियाँ फोड़ दिया, एक और चक। घर नहीं फोड़ने भाई, हमें रहना है क्योंकि घरों में तो घर फोड़ने में दिक्कत है। तो बंदे तो लगभग सारे पेल दिए भाई मैंने। ओ भाई साहब क्या, वो देखो बाइक का पूरा ग्रुप खड़ा है इनका, ये रहा। चल भाई सारी बाइकें फट गई, नाइस 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 नाइस। तो गाड़ियाँ ये दो और बची है, इनको भी तबाह कर दिया जाए भाई। तो बैलास गैंग अब जो है ना भाई, बहुत हद तक पूरी यहाँ से जा चुकी है। ये लो भाई ये भी ख़त्म कर दिया, फायर ब्रिगेड आएगी, फायर ब्रिगेड को ही फोड़ेंगे, कोई आग नहीं बुझाएगा इनको, जलने दो इनका पूरा गाड़िया वाड़िया, हट। चलो भैया यहाँ पे सारा ख़त्म कर दिया फ्रैंकलिन, और उनको फ़ोन करके बुलाता हूँ कहाँ पर है वो। एक और आ गया, आ जा आ जा आ जा, जितने बचे हो आ जाओ सब।
ओ भाई साहब, देख रहे हो कितनी लाशें लाशें बिछा दी है वेलास गैंग की। ओ भाई, तो भाई ये रहे सब लोग, सारे के सारे सेफ है। राइडर, स्वीट, ये रहे अपने सीजे भाई और माइकल, और ओ माइकल कह रहा हूँ, ट्रेवर और फ्रैंकलिन का है, उनको ही बुला लेता हूँ फटाफट से, और अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलते हैं भाई। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी बैठो, पूरी इस बैलास गैंग को तबाह कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी, पुलिस वाले जान पूछ के ना बीच में नहीं पड़े, उन्हें पता है भाई इतना पेल दिया सबको। चलो तो भाई, फाइनली सारे बैठ गए, ये दोनों बाहर लटक गए और हम सारे अंदर है। हटो हटो यहाँ से भाई, सब ट्रैफिक लग गया तगड़े वाला। अबे 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 अबे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। वो ये बैलास गैंग जिंदा है अभी? आओ बेटा, तुम कैसे जिंदा रह गए? खड़े हो गए, देख रहे हैं ये, इन्हें लग रहा है सब चले गए। भागो 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 भाई। अबे यार, ये गिर गया फिर से। जल्दी बैठ भाई, फटाफट बैठ फटाफट। दो तीन बैलास गैंग के बंदे और बचे अभी, कोई नहीं, हम तो निकल लेंगे भाई, अब हमें अब मतलब नहीं है इनसे। तो फाइनली सारा यहाँ पर तहस महस कर दिया, अपने घर चलते हैं भाई। अब जो है बैलास गैंग वाले कभी पंगा नहीं लेंगे और लॉस सैंटोस से भाई ख़त्म से हो जाएंगे। मतलब हमें ये ग्रूव स्ट्रीट गैराज वाली जो एरिया है ना, पूरी स्ट्रीट ये तो मिल ही चुकी है अब, तो यहाँ पर कोई सीन नहीं होगा। हो सकता है बैलास गैंग थोड़ा बहुत जो है लॉस सैंटोस में रहा करे आसपास, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस से जो है वो चले जाएंगे बैलास गैंग वाले। तो कल तक भाई पुलिस पुलिस पूरा एरिया साफ कर देगी, जितनी लाशें गिरी है बैलास गैंग की वो सब वहाँ से साफ हो जाएगी, और फिर फाइनली हमारी सीजे भाई की जो गैंग है, फैमिलीज जो है, वो वहाँ पर जाके रह पाएगी। अबे अबे अबे, आराम से ठोकना नहीं है। तो इससे ये है कि भाई दिक्कत नहीं होगी अब हमें गैंग की। एक तो हमें पूरा अच्छा खासा, पूरी इतनी बड़ी स्ट्रीट मिल गई है, वहाँ पे बने बनाए घर मिल गए हैं। आधी से ज़्यादा ज़मीन तो वैसे वो सीजे भाई की थी पहले से ही, बट भाई बैलास गैंग वालों ने कब्जे में ले ली थी, इसलिए उन्होंने पूरा बना दिया था अपने अकॉर्डिंग। बट अब जो है वो हमारी हो जाएगी, हम अपने अकॉर्डिंग जो है कलर स्कीम वगैरह घरों की कर देंगे वहाँ पर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप पूरा टूर देखना चाहते हो हमारी ग्रूव स्ट्रीट का, क्योंकि वहाँ पर जब सीजे भाई की पूरी गैंग शिफ्ट हो जाएगी ना, तो हम प्रॉपर एक गाइड बना मतलब टूर बनाएंगे वहाँ का, कि कौन कौन से घर है, कौन कौन से घर में कौन कौन रह रहा है। बट अभी हमें भाई सबको माइकल के घर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने प्रॉपर सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। अभी अंडरवर्ल्ड से हमारा पंगा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपने टोमी भाई उनके किडनैप में ही हुए पड़े हैं, मतलब उन्होंने कब्जे में रख रखे अपने, तो वो थोड़ा सा हमें उनको बचाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। अब हमारी सीजे भाई मदद कर देंगे। बाकी लो भैया, घर आ गया माइकल का, फटाफट से अंदर चलते हैं, खुशखबरी ही खुश। ओ भाई गिर गया वो, शिट शिट शिट, सॉरी भाई सॉरी। राइडर आजा आजा, स्वीट या राइडर जो भी है, चल आराम से आ जाइए, हम गाड़ी खड़ी करते हैं। और ये FIB की गाड़ी भाई मस्त मिली है मुझे, मतलब पर ये हमें वापस करनी है, क्योंकि कह के तो चोरी करके लाए, बट उधार मांगी है एक ऑफिसर से। तो फाइनली भाई हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, बैलास गैंग का पूरा जड़ से सफाया कर दिया हमने लॉस सैंटोस में से। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out, I'm talking about.